उज्जैन में फागुन शुक्ल के दूसरे सोमवार को भगवान महाकालेश्वर ने पंचमुखारबिंद में दर्शन दिए। भगवान महाकाल के पंचमुखारबिंद में एक साथ छविना श्री मन महेश, होलकर उमा महेश, श्री शिव तांडव स्वरूप को 125 किलोग्राम काजू का भोग अर्पित किया गया। संध्या आरती में अर्पित किए भोग में सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स में सोने एवं चांदी का वर्क लगाकर अर्पित किए गए। जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि महापर्व पर महाकालेश्वर को 9 दिनों तक महाराज भोग का चढ़ावा और राजघराना उट्टन अर्पित किया गया। लगभग 24 लाख राशि का महाराज भोग और 11 लाख का राजघराना उट्टन, करीब 35 लाख का भोग महाकाल को शिव नवरात्रि के 9 दिन तक अर्पित किया गया। साथ ही महाशिवरात्रि के प्रमुख दिन महाराज भोग तथा राजघराना उट्टन अर्पित किया गया। पांच मुगाटे की झांकी के रूप में भगवान के दर्शन दूज के दिन है। अगर शिव नवरात्रि में किसी ने दर्शन नहीं किए थे तो वो आज के दिन भगवान के दर्शन करके 9 दिन का लाभ ले सकता है और उसको इसका आशीर्वाद प्राप्त तो हो सकता है। इस 9 दिन में पूना के डॉक्टर सागर कुलते जी द्वारा अलग अलग ड्राई फ्रूट का भोग लगाया गया है। आज भी काजू के द्वारा भगवान का भोग लगा के आज समापन भगवान का शिवरात्रि का उनके द्वारा करा गया है। सारा प्रसाद भी वितरण यहाँ के भक्तों द्वारा, जो उनके भक्त हैं जिनके सुपुर्द करा है, उन्होंने बिल्कुल निष्ठावान से भोग लगा के प्रसाद वितरण भी जनता के बीच में किया गया है। भगवान महाकाल को, भक्त को और भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त रहे कि ऐसी ही सेवा हमेशा बाबा की सेवा में करते रहे। जय।